प्रारंभिक जीवन बेहतर पोषण नींव का ईंट है ICDS आंगनवाड़ी केंद्र, मगर राजा भात चाय बागान कालचीनी ब्लॉक जिला अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल राज्य में एक साल से ICDS सेंटर नंबर 703 की ईंटें जवाब दे चुकी है। बिल्डिंग में दरारें आकर टूटने लगी है। खराब विभागीय पर्यवेक्षण से परेशान समुदाय के लोग, चाय बागान के लोग प्रशासन को जानकारी देने के उपरांत भी एक साल तक कोई कार्रवाई होती नहीं है। मैं हरिहर नागवंशी और ये है मेरा समुदाय। आप लोगों को सेंटर चलाने में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? फिलहाल तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि सेंटर का हालत बहुत ही ख़राब है। ये सेंटर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अभी हम लोग सुचारू रूप से अपना सेंटर नहीं चला पा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अंदर में सब वाल सब फूटा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बाहर में ही मैं अपना सेंटर चलाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये सेंटर कैसा टूटा हुआ है, यहाँ पर नया सत्रह धस गया है, इसलिए किसी भी बच्चे को मैं अंदर आने नहीं देती हूँ। मैं बाहर में बैठकर बच्चों को खाना जो खिचड़ी उचड़ी होता है वो सब मैं दे देती हूँ। बाई चांस कभी भी यहाँ कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। राजा भात चाय बागान की फैक्ट्री इलाका में मस्जिद लाइन ICDS सेंटर नंबर 703 में कुल 20 माताएं और बच्चे परिसेवा पाते हैं, मगर आंगनवाड़ी सेंटर की दशा के कारण सेंटर जाने में डरते हैं कि कहीं आकस्मिक घटना ना घट जाए। तो अरे सेंटर में जाल का? हाँ। सेंटर कैसा ना है? सेंटर पूरा टूटल फटल है, एकदम पूरा असुविधा हो गया। कैसन कैसन असुविधा हल तो है कि सेंटर के देख के सब चीज ले असुविधा है। का काले असुविधा कि रख सके और लेटरिंग नहीं के, बाथरूम नहीं के, और पानी का भी असुविधा है। मतलब धरती डोली है और मतलब गिर के आए हो, कभी भी गिर सके। तो डर नहीं लागल तोरे के? लागल, हमें अपन तो 2 साल का छोवा के भेजन मई। अच्छा, अल पानी उनी आवेल हल का करला? पानी आवेल हले जईला मई जाऊं। अच्छा, छोवा के लेके। और कभी-कभी प्रॉब्लम हलल का सेंटर का दीदी आवेला घरे? हाँ, आवेला घरे, आवेला घरे भी देखे जाए। बरसात के दिनों में तो बच्चे आ नहीं पाते हैं, क्योंकि अंदर तो हम लोग बच्चे को नहीं रख पाते हैं, इसलिए बाहर में ही बच्चों लोग को मैं खिचड़ी या डीम देकर मैं बाहर से ही चली जाती हूँ, या कभी कभी उन लोग का घर पर पहुँचा देती हूँ। और इसके सिवा आपका यहाँ पे जो किचन या फिर जो टॉयलेट उसका क्या सुविधा है? किचन टॉयलेट का तो कुछ सुविधा नहीं है, जब सेंटर ही ठीक नहीं है तो किचन बाथरूम किचन और टॉयलेट का तो क्या बात करेगा। टॉयलेट जो बनाया हुआ वहाँ पर के टॉयलेट का जो है ये टंकी भी नहीं बना है, सिर्फ टॉयलेट ऊपर से बना के रख दिया है, अंदर में टॉयलेट उलेट कुछ नहीं है, तो उसका लेटरिन का टंकी नहीं है। बिल्डिंग अभी 1 साल हो रहा है ये बिल्डिंग बना है, वो बिल्डिंग बनने के 1 साल के अंदर ही ये सब बिल्डिंग का ये हालत हो गया है। अच्छा, इसका जानकारी CDPO को दिया गया है? जी, इसका जानकारी हम लोग CDPO सर को भी दिए हैं, और CDPO सर आकर देख कर भी गए हैं। समुदाय से जानकारी मिली है कि 18 जुलाई 2017 को लिखित जानकारी प्रशासन को दी गई थी, मगर अब तक 1 साल होने को है पर कार्रवाई कुछ नहीं। बिल्डिंग ज्यों का त्यों है, दुर्घटना का न्योता लेकर खड़ा है। तो जो ICDS बना हुआ था वो समिति ऑफिस के द्वारा बना हुआ था, तो बनने के बाद में मोटा मोटी 8-9 महीने बीतने के बाद में उसमें पूरा दरार पड़ गया है। अभी देखने में आता है कि वो घर तो नहीं टिकेगा, क्योंकि उतना सारा बच्चा बाल बच्चा पढ़ता है, किसी कारण वहाँ बड़ा दुर्घटना भी हो सकता है। और मैं ग्राम पंचायत होने के नाते उन लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया था, और इसका इन्फॉर्म मैं हमारे गरपड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान को दे दिया हूँ कि किसी दिन भी कोई घटना हो सकता है, जल्द से जल्द से ठीक नहीं करने से आने वाले समय में कोई दुर्घटना हो सकता है, इससे बच्चे का जान भी जा सकता है। इसीलिए इसको या पंचायत ऑफिस के द्वारा हो या ब्लॉक से हो, जल्द से जल्द इस ICDS को ठीक करना पड़ेगा। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से नम्र निवेदन है, विनती है कि वे अधिक से अधिक फोन कर आवेदन करें। नंबर है 9434746850। फोन करें
ताकि एलसी शेरपा आईसीडीएस सेंटर जल्द से जल्द बनवाए जाएं, लोगों की जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुचारू रूप से चल सके। मैं हरिहर नागवंशी पश्चिम बंगाल से इंडिया अनहर्ड के लिए।